तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास टेक्नीशियन ये पीसीबी लेके आई जो कि होल्टास का पीसीबी है। इसके अंदर कोई भी सिग्नल या कोई भी लाइट वगैरह नहीं जल रही है जो कि एसी की लाइट है। तो आपको इससे पहले आपको इसकी बेसिक डिटेल जाननी पड़ेगी। आप सबको टेक्नीशियन को पता होगा कि बेसिक डिटेल्स क्या होती है, जो कि इन दिखने वाले पार्ट से हम बात करेंगे, जो छोटे छोटे पार्ट है उसकी उसी के बारे में नहीं, जो बेसिक डिटेल में। तो ये रहता है हमारा रिले जो कि आपके आउटडोर को चलाता है, ठीक है। ये रहता है कैपेसिटर जो कि आपके इंडोर के ब्लोअर मोटर को चलाता है, ठीक है। ये रहता है लाइन फिल्टर, इसको लाइन फिल्टर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगी है फ्यूज़, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्यूज़, 3.1 एम्पीयर की यहाँ पे फ्यूज़ लगती है। ये रहता है फीडियर आपका जो कि वोल्टेज को वेरिएशन होने से रोकता है, आपके सर्किट को ब्रेक होने से। और ये 0.1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है जो कि लाइन फिल्टर करने का काम करता है। ये आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये बेसिक डिटेल्स है, इसके बारे में हम बाद में कहीं बात करेंगे चलते चलते, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर है जो कि स्विचिंग करके आपके इस पीसीबी में सप्लाई भेजता है। यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है जो कि वोल्टेज भेजती है डिफरेंट डिफरेंट आईसीस को, ठीक है। यहाँ पे 7805 आईसी लगी हुई है, आप सबको ये पता होगा, लेकिन ठीक है मैं बताता चलूँगा। तो इसको टेक्नीशियन लेके आया, अभी हमने इसमें देखा नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे लाइन देखे मैंने देखा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं लग रहा था। तो अभी हम सबसे पहले मल्टीमीटर से यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। आप देख लीजिए मॉडल नंबर वगैरह, पीसीबी पीछे से कैसा दिखता है, इस तरह का पीसीबी है, ठीक है। अभी सबसे पहले जो मेन सप्लाई होता है उसी के अंदर हम चेकिंग करेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मेन ट्रांसफार्मर को गया हुआ है, यहाँ से आपका एसी इन होता है। तो मल्टीमीटर लेते हैं हम यहाँ पर, अभी यहाँ पे कंटिन्यूटी सेट करते हैं। दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ लेकिन ये हाथ एक ही हाथ से बना रहा हूँ, मेरे पास स्टैंड नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कॉमन रहती है ये वाले पॉइंट, आपको यहाँ पर एक मल्टीमीटर का प्रोब रखना है, ठीक है। जाने दो, यहाँ से हम चेकिंग करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे से। इन दोनों पॉइंट, ये जो रहता है या फिर वीडीआर रहता है, इन दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूटी आ रही है क्या हम देखेंगे अभी। तो कुछ तो दिक्कत हो रही है हमें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हमने देखा यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, मतलब ये वीडीआर सेक्शन का जो सप्लाई वो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मेन एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट हम लगाएंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपको, यहाँ पर भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही, मतलब हमारा जो वीडीआर है वो ब्रेक हो चुका है, ये वीडीआर है ये ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे फ्यूज़ है क्या नहीं, लगता है कस्टमर ने फ्यूज़ निकाल दिया इसकी। यहाँ पे एक कवर लगा हुआ है ताकि सिलेंडर फ्यूज़ रहता है वो ब्लास्ट होने के बाद, यहाँ पे फ्यूज़ नहीं है, फ्यूज़ उड़ा है, मतलब ये वीडीआर उड़ा है। अगर आप फ्यूज़ डालेंगे, ये वीडीआर डालेंगे तो आपका सर्किट ओके हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, मैं नया नया वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है, थैंक यू।